वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, इम्तियाज अली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म लव आजकल 2020 के डे नंबर 3 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, लव आजकल 2020 विल गो डाउन एज अ सॉरी अफेयर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा। एक फिल्म जिसका ये सीक्वल या फिर उसी टाइटल को लेकर बनाया गया फिल्म के बारे में बात करें तो गाइज, शॉकिंग फैक्ट ये है कि 2009 में जहाँ पर टिकट्स प्राइस भी इतने नहीं थे, इकोनॉमी भी उस तरह की नहीं थी एंड जीएसटी एसजीएसटी नहीं था उस टाइम पर लव आजकल ने 2009 में 27.86 करोड़ की कमाई की थी। एंड जब आप किसी फिल्म के टाइटल को लेने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्चा करते हो, यस मेरा भाई, लव आजकल टाइटल जो था वो इरोस एंटरटेनमेंट के पास था, उनसे इसके जो मेकर्स थे दिनेश विजन और नरेंद्र इम्तियाज अली, इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए में उस टाइटल को लिया है गाइस। एंड जब 2 करोड़ आप टाइटल के लिए खर्चा करते हो तो फिल्म भी उतनी बनाओ कि उस टाइटल को जस्टिफाई कर सके। अनफॉर्चुनेटली गाइस, लव आजकल जो टाइटल था उसको ये फिल्म जस्टिफाई नहीं कर पाई। एंड फ्राइडे धमाकेदार ओपनिंग 12.40 करोड़, सैटरडे को इतना बड़ा ड्रॉप 8.01 करोड़, एंड कल रात को ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अपने तीसरे दिन पर 7.5 से 8.5 करोड़ कमाएगी। अगर रात के शोज खराब गिरे तो गाइज शायद ये सैटरडे से कम भी कमा सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि रात को थोड़ी बहुत इज्जत बच गई इस फिल्म की। एंड संडे को इस फिल्म ने 8.10 करोड़, यस फ्रेंड्स, 8.10 करोड़ की कमाई की है सैटरडे से, सिर्फ और सिर्फ 9 लाख ज्यादा। एंड जब संडे ही इतना खराब हो तो मंडे किस तरह से होगा आपको जस्ट इमेजिन। अगर ये फिल्म आज 3 करोड़ के नीचे गिरती है ना मेरा भाई, देन देर इज नो सेविंग दिस फिल्म फॉर बिकमिंग अ बिग डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। इसी के साथ लव आजकल 2020 ने 3 दिनों में 28.51 करोड़ की कमाई की है, 28.51 करोड़ रुपए कमाए हैं, इज्जत बच गई गाइस इसकी, इसने सैटरडे से थोड़ा ज्यादा पैसे कमाए हैं। अब गाइस बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कार्तिक आर्यन के ओपनिंग वीकेंड्स के बारे में। ओपनिंग इस फिल्म ने कार्तिक आर्यन की पिछली जितनी भी फिल्में हैं उनसे ज्यादा ली थी, लेकिन गाइस 2019 में पति पत्नी और वो ने 3 दिनों में 35.94 करोड़, 2019 में ही लुक्का छुपी ने 32.13 करोड़ की ओपनिंग ली है, उनके कई गुना कम इसने लव आजकल 2020 ने कमाया है जो है 28.51 करोड़। इस इज अ सैड स्टोरी कि एक फिल्म जो 11 साल पहले आती है उसका भी वीकेंड इसके बराबर का रहता है। एंड गाइस, अब अगर हम बात करें इसके फुटफॉल्स की, पहले दिन 8.82 लाख टिकटें बिकी थी, यानी कि 8.82 लाख टिकट्स वर सोल्ड इन द कंट्री ऑफ इंडिया ऑन इट्स फर्स्ट डे। सेकेंड डे 5.42 लाख टिकट्स वर सोल्ड एंड थर्ड डे 5.47 लाख टिकट्स वर सोल्ड। एंड इसी के साथ टोटल जो फुटफॉल है वो है 19.71 लाख। यस फ्रेंड्स, 19.71 लाख टिकटें बिकी है इन द कंट्री ऑफ इंडिया इन इट्स 3 डेज, जो कि काफी अच्छा फुटफॉल है क्योंकि पब्लिक आई है फिल्म देखने के लिए, कलेक्शन भी आया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब फिल्म मेकिंग सिर्फ एक प्रोजेक्ट बन के रह गया है, मैंने पहले दिन ही कहा था इसमें इम्तियाज अली, दिनेश विजन, रिलायंस जियो, किसी को कुछ रत्ती भर का भी नुकसान नहीं होने वाला है। इन लोगों ने अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं। एंड जब आप किसी फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को 40 करोड़ के ऊपर में बेचो, यस फ्रेंड्स, इसको पूरी तौर पर मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ। इस फिल्म के इकोनॉमिक्स लोग हमेशा इस बात को गलत फहमी में रहते हैं कि अरे बजट की वजह से फिल्म हिट होती है फ्लॉप होती है। बजट जो रहता है फिल्म का वो आजकल प्रोड्यूसर, सैटेलाइट, डिजिटल, सब वो बेचकर कमा लेता है। तो फिल्में आजकल नुकसान में प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं रहती मेरा भाई, इट्स द डिस्ट्रीब्यूटर शेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक फिल्म को हिट और फ्लॉप टर्म करता है, टैग करता है। जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे फिल्म 40 करोड़ में खरीदता है तो ब्रेक इवन ऑटोमेटिकली उस फिल्म का 81 to 82 करोड़ रुपीज हो जाता है। यानी कि लव आजकल को ब्रेक इवन यानी कि ऑलमोस्ट पैसे रिकवर करने के लिए 83 से 85 करोड़ रुपीज कमाने थे। दिस इज द सीरियसनेस ऑफ दिस फिल्म, यानी कि 80 करोड़ के नीचे कुछ भी गिरती है तो इट विल बी अ कंप्लीट वॉश आउट। यहाँ पर ये फिल्म
50 करोड़ भी नहीं जाएगी गाइस. दिस इज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिजास्ट्रस यू नो कलेक्शन एट द बॉक्स ऑफिस. एंड अब ऐसा लग रहा है कि आज के बाद ये फिल्म अगर 50 करोड़ टच भी कर देती है तो बहुत बड़ी बात होगी इस फिल्म के लिए. ओके गाइस, सो 83 to 85 करोड़ पे ये फिल्म यू नो एक हिट टैग ले जाती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा होता हुआ दिखाई नहीं देता. लेट्स सी गाइस आज से ये फिल्म किस तरह परफॉर्म करती है. लेकिन कलेक्शन ऑन इट्स थर्ड डे इज 8.10 करोड़, एंड इसी के साथ 3 दिनों में इस फिल्म ने 28.51 करोड़ कमाई की है. ओके गाइस, एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इट्स मैं अमरन साई साइनिंग ऑफ. यू विल सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.